नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा एक की हिंदी की पुस्तक कलरव के पाठ 17 लता की कक्षा के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ लता की कक्षा में 1 से 99 तक की गिनती की जानकारी को बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है तथा इससे पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए 1 से 99 तक की संख्या की गिनती 1 से 99 तक की संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखने को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी को बताया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 30 मिनट रखी गई है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक छात्र संख्या के आधार पर एक तालिका की व्यवस्था करते हैं। पुनः अध्ययन के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अपने आसपास के पेड़ पौधों के नाम और उनकी संख्या के बारे में लिख कर ले जाने को कहेंगे। पेड़ पौधों के नाम और तालिका को भर करके ले जाते हैं छात्र, और कक्षा में शिक्षक एक तालिकाओं की एक प्रति बांटते हैं और अभिभावक के सहयोग से भरकर स्कूल लाने के लिए कहते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, पौधे के नाम, पत्तों की संख्या लिखी होती है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक ले जाकर अभिभावक को देते हैं और कहते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन छात्र चार्ट और तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को पढ़कर कक्षा में बताते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में पाठ लता की कक्षा का पुनः अध्ययन शिक्षक द्वारा गृह कार्य के माध्यम से करवा लिया जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश की व्यवहारिक शिक्षा सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे 1 से 99 तक की संख्या पर कार्य करते हैं, संख्या को मूर्त रूप में लिखना, चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोलकर बताना तथा इकाई और दहाई की संख्या को समझते हैं तथा भाषा की बारीकियों को समझते हुए अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच संवाद करना, तर्क करना, अनुभव करना तथा बातचीत करने के साथ साथ प्रश्न करने की समझ को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस नवाचार से विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी लाभ होता है। इस नवाचार में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRQ अनुपात का तो ध्यान रखा गया, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए उपयोगी है। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाया जाता है। इसमें इस पाठ को शिक्षक लता की कक्षा के एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। तो कहा जा सकता है कि नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।